प्यारे सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट पे 2013 की गोयनार बाग शो आज सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर अपूर्णा सेन, आईएमडीबी रेटिंग 7.1। बंगाली ऑथर शिशिंदु मुखोपाध्याय के नोवेल पर आधारित ये मूवी एक ज्ञानों का भरा बक्सा। जीते जी क्या मरने के बाद भी कोई उसे हाथ न लगा सका, क्या होता है उस गहने के बक्से का। दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट पक्के से करें और मूवी स्ट्राइप को सुनते रहे। बंगाल के जमींदार घराने में जन्मी राशमुनि, उसका विवाह 11 साल की उम्र में कर दी गई थी। मायके से पिता ने बेटों के बीच जन्मी एक ही लाडली बेटी को गहनों से भरा एक बक्सा दिया, पर बेचारी 12 साल के होते न होते विधवा हो गई और वो सारे गहने सिमट कर वापस उस बक्से में बंद हो गए। पति के मरने के बाद मायके में ही उसकी जिंदगी गुजरी। सुना है वो जितनी रूपवान थी उतना ही तेज दिमाग भी था उनका। माँ बाप के गुजर जाने के बाद भाइयों ने बड़े लाड प्यार से अपनी बहन को रखा, मगर विधवा के जीवन का पालन तो उसे भी करना पड़ा। बाल काट दिए गए, बिना मांस मछली के उबला खाना और सफेद साड़ी ने रंगीन कपड़ों की जगह ले ली। ऐसे ही उसका बचपन जवानी में और जवानी बुढ़ापे में बदल गई। सब कुछ वक्त के साथ बदल गया, सिर्फ एक चीज नहीं बदली, वो गहनों का बक्सा। राशमुनि के पास सूची पत्र है जिसमें उसके सारे गहनों के हिसाब लिखे हैं। 28 जोड़े कंगन, 19 जोड़े झुमके, 12 हार, 8 अंगूठी, बिछिया, कमरबंद, बाजूबंद, उफ ना जाने क्या क्या। वो हर रोज उन्हें निकालती, खुद को गहनों से लादती और फिर बक्से में भरकर ताला लगा देती, क्योंकि राशमुनि को भी मालूम है घर की बहू गिद्ध की तरह इन पे नजर गड़ाए हुए हैं कि कब राशमुनि की आंखें बंद हो। इसी वजह से वो किसी को पसंद नहीं करती। अब ये कहानी 1939 से शुरू होती है। बंगाल तब दो टुकड़ों में बट चुका था, हिंदुस्तान और पूर्व पाकिस्तान। और तभी राशमुनि के मायके वालों को भी फरीदपुर की जमींदारी छोड़कर सरहद के इस पार हिंदुस्तान आना पड़ा। वहीं पीछे रह गई उनकी जमीनें, जायदाद, तालाब, हवेली। इस घर का छोटा बेटा चंदन ब्याह कर लाया गरीब घर की सोमलता को। रीति रिवाज के साथ बहू का घर में प्रवेश हुआ। सबसे मिलाने के बाद नई बहू को बुआ सास यानी राशमुनि से मिलवाने ले जाया गया। सोमलता उसे कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन नई बहू को शगुन के तौर पे सोने के गहने देने का रिवाज है। राशमुनि ने वजन देखकर सबसे हल्के वाले कंगन सोमलता को थमा दिए। ये कहानी आपको सुना रही हूँ मैं, सोमलता की बेटी। कैसे ये गहनों का बक्सा मुझ तक आया और अंत में इस बक्से का क्या हुआ। दिन गुजरने के साथ सोमलता को प्यार से सब लता बुलाने लगे। धीरे धीरे वो इस घर की होने लगी। साथ ही साथ उसे पता चला कि अब वो लोग सिर्फ नाम के ही जमींदार रह गए हैं, क्योंकि जमीन, जायदाद, कोठे, हवेली तो सब पाकिस्तान में ही रह गया है और जो इस घर में बचा है उसे ही बेचकर सबका गुजारा चलता है। रोज वो एक न एक सामान बिकते हुए देखती, कभी पलंग, कभी गलीचा, कभी झूमर, कभी कुछ। लेकिन उनके जमींदारी मिजाज में कोई कमी नहीं आई। घर के बेटों का दिन मछली पकड़ने में और शाम जुआ खेलने में निकलता, और उनके बाप का शतरंज खेलने में, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने में। उनके बाप दादा के पास कितनी जमीन जायदाद थी वगैरह वगैरह। और बचा खुचा दिन लता के ससुर के बड़े भाई जो इसी राजबाड़ी के दूसरे हिस्से में रहते हैं उनके साथ जायदाद के लिए चल रही कोर्ट कचहरी में निकल जाता। कितने भी दिन बुरे हो लेकिन काम करना तो जैसे जमींदारी रिवाज में है ही नहीं। एक शाम छत पर घर के चाचा ससुर की तरफ की बहू रेबा से लता की बात हुई। बातों बातों में बात निकली कि उसकी गोद में जो बच्चा है वो उसी घर के बहुत पुराने नौकर राम बिलास का पोता है। अफवाह फैली थी कि तुम्हारे ससुर और इस घर के बाकी मर्दों ने राम बिलास को पीट पीट कर मार डाला, क्योंकि उसे तुम्हारी बुआ सास के साथ किसी ने देख लिया था, लेकिन कोई पुलिस थाना नहीं हुआ, बात को हादसा बताकर दबा दिया गया। तब से उसकी पीढ़ियों को ये जमींदार परिवार पाल रहा है। अब सीढ़ियों से नीचे जाते वक्त उसने खिड़की से देखा कि राशमुनि बिस्तर पर सीधी लेटी हुई है। जाते हुए भी ऐसे ही देखा था और वापिस आते हुए भी ऐसी ही लेटी है। अंदर आकर उसने आवाज दी पर कोई जवाब नहीं मिला। फिर वो उनकी सांसें चल रही है कि नहीं देखने गई, तभी राशमुनि की आत्मा शरीर छोड़ उठकर बैठ गई। डर कर लता भागी रही थी कि राशमुनि ने उसे रोका और कहा, मुझे सब पता है, तुम सबकी नजर मेरे गहनों के बक्से में है, खबरदार अगर किसी ने मेरे बक्से को हाथ लगाया तो। इधर आ और मेरी साड़ी की पल्लू में बंधा चाबी से वो बड़ा वाला बक्सा खोल, उसके अंदर जो छोटा संदूक है वो लेकर आ, काफी भारी बक्सा है। राशमुनि बोली, पूरे 500 तोला सोना है, अगर एक भी रत्ती कम हुआ ना तो मैं तेरे पति को मार डालूंगी और फिर ये तेरा गहने पहनने का शौक शौक ही रह जाएगा। अब ध्यान से सुन, ये बक्सा तुझे अपने पास महफूज रखना है, किसी को ना पता चले। चल जल्दी से चाबी मेरे पल्लू में बांध दे, कोई आ रहा है। और जाकर दोबारा वो अपने मरे शरीर में लेट गई।
जल्दबाजी में सीढ़ियों से उतरते वक्त घर की बड़ी बहू से वो टकरा गई, पर बिना रुके वहाँ से वो चली गई। बड़ी बहू को थोड़ा तो शक हुआ कि वो कुछ लेकर जा रही है। पसीना पसीना अपने कमरे में आकर लता जल्दी उस बक्से को छुपाने में लग गई, कभी इस दराज में, कभी उस संदूक में, और अंत में बिस्तर के नीचे रखे बड़े बक्से में छुपाकर ऊपर से रजाई डाल दी और वो सो गई। जब शाम को नींद टूटी तो घर पे रोना धोना चल रहा है। राजमुनि के घर की तलाशी पहले ही ली जा चुकी है, पर कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि उनके तालाब में भी मछली पकड़ने का जाल डालकर खोज की जा चुकी है। फिर बारी आई बहू बेटों के घर की तलाशी की। बड़ी बहू के घर से तो कुछ मिला नहीं, अब लता के कमरे की बारी। गहने रखने वाले बड़े बक्से में जैसे ही हाथ लगाते ढक्कन बार बार गिर जाता, क्योंकि वहाँ राजमुनि की आत्मा मौजूद है जो ये सब कर रही है। वो सिर्फ लता को नजर आती है। आखिरकार पुलिस बुलाई गई और बेचारे घर के नौकरों को पकड़ कर ले गए, मगर बड़ी बहू को शक है, हो ना हो ये लता का ही काम है। एक दिन छत पे उसने पहले लता को धमकाया कि बक्सा वापस कर दे, पर जब लता ने कुछ नहीं बताया तो फिर बड़ी बहू ने हिस्सा आधा आधा कर लेने को कहा। मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं घर पे ससुर जी को बता दूंगी कि उस दिन तुम कुछ छुपा कर लेकर जा रही थी। इतने में लता को दूर सूख रही सफेद साड़ी के पास राजमुनि की आत्मा दिखी और देखते देखते वो पास आ खड़ी हुई। इससे पहले कि बड़ी बहू कुछ और कहती, वो कांपते हुए जमीन पे आ गिरी और उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। डॉक्टर बुलाया गया। अजीब बात है, पूरे शरीर में बस जीभ ही पैरालाइज्ड हुई है। बड़ी बहू लता को देख उसकी तरफ इशारा कर कुछ बताने की कोशिश करने लगी तो चंदन ने उसे कागज कलम दी ताकि लिखकर बता सके। जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, हाथ कांपते हुए कलम छूट गई। अब उसका दायां हाथ भी पैरालाइज्ड हो चुका है। डॉक्टर भी ऐसा केस पहली बार देख रहा है। अब राजमुनि अक्सर लता को नजर आने लगी। उस रात वो खाना बना रही थी जब राजमुनि की आत्मा आई। आहा, इतनी अच्छी महक, लगता है मछली बना रही हो। मुझे बहुत पसंद है मछली, पर अब तो इसका स्वाद ही भूल चुकी हूँ। विधवा का जीवन तुम क्या समझोगी। और ऐसे ही धीरे धीरे दोनों में ढेरों बातें होने लगी। न राजमुनि को कोई देख सकता है और न लता के पास कोई है मन की बातें करने को। घर की हालात भी दिन पर दिन खराब होती जा रही है। एक एक कर सारी चीजें बिक गई, यहाँ तक पीतल के बर्तन भी। खाली कमरा काटने को दौड़ता। एक दिन तो पानी सर के ऊपर चला गया जब चंदन ने आत्महत्या करने की कोशिश की। लता ने अपनी सूझबूझ से उसे रोका और कहा, मेरे पास एक सुझाव है, लेकिन अभी किसी को नहीं बताना। एक शाम लता ने उसी गहने के बक्से से एक सोने का हार निकाला और उसे बंधक देकर पैसे ले आई। जब चंदन ने पूछा ये कहाँ से आया, लता बोली, विश्वास करो मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। इन पैसों से हम एक साड़ी का व्यापार शुरू करेंगे। लेकिन अगले दिन लता की खैर नहीं हुई। अकेली रसोई घर में लता को राजमुनि की आत्मा ने खूब परेशान किया, भला बुरा कहा। रसोई घर की दशा ही बदल दी। वो नाराज है कि लता ने उसके गहनों को हाथ लगाया। बड़ी मुश्किल से लता ने समझाया कि वो जल्द हार छुड़वा लाएगी। काम शुरू हो गया। चंदन साड़ियाँ ले आया और रात भर जागकर लता ने साड़ियों पर कीमत वाली पर्ची लगाई। और एक दिन दुकान का उद्घाटन भी हुआ। नाम रखा गया राजमुनि साड़ी स्टोर। खबर घर के बड़े बेटे और ससुर तक पहुंची। जमींदार परिवार का नाम डुबाने पे तुले हैं ये दोनों, दुकानदारी करेंगे। छी 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 छी, ससुर बोला। चाचा ससुर ने कहा, करने दो करने दो, जब व्यापार में घाटा होगा और मुँह काला कर दोनों घर लौटेंगे तब बात करेंगे। लेकिन सबकी आशा के विपरीत दुकान चल पड़ी और लता राजमुनि का हार भी छुड़वा लाई। राजमुनि को हार वापस देते हुए लता ने दुकान के बारे में और नाम बताया तो राजमुनि की आंखें भर आई। मुझ विधवा को इतना बड़ा सम्मान दिया है, मुझे याद रखा। और पलक झपकते ही वो दुकान पहुंच गई। घूम घूम कर साड़ियाँ देखने लगी। कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे एक रंगीन साड़ी नसीब नहीं हुई थी, आज पूरा का पूरा दुकान उसके नाम पे है। एक लाल रंग की साड़ी लपेट आईने में खुद को देख रही है वो। अब एक दिन दुकान में कमला आई, जो एक नाचने गाने वाली तवायफ है, जिसके यहाँ पहले चंदन का आना जाना था, जैसे कि जमींदारों के शौक होते हैं। 32 साड़ियाँ वो बिना पैसे के ले गई। बेचारा चंदन कुछ ना कह सका। इधर राजमुनि लता से कह रही है, आज तेरा ससुर और जेठ दुकान को लेकर खड़ी खोटी सुनाने वाला है। सोचा भी है तूने क्या बोलेगी। वैसे मेरे पास तेरे ससुर का एक राज है, उसका नाम लेते ही वो कुछ बोल नहीं सकेगा। जमींदारों का शौक तो तवाइफों के बिना अधूरा है। उसका नाम चमेली है, जहाँ उसका आना जाना है। क्या नहीं दिया उसे, सोना चांदी, इस घर की आधी चीजें बेच कर तो उसी पे लुटा दी। मुझसे ये सब नहीं कहा जाएगा, लता बोली। ओहो हो, बढ़िया ही नहीं कहा जाएगा, राजमुनि ने गुस्से में कहा। क्यों नहीं बोल सकती रे,
मर्द साथ कुछ भी करे और औरत बोले भी ना। बीवी के होते हुए कितनी जगह वो मुंह मारते फिरते हैं, लेकिन एक बाल विधवा को पूरी जिंदगी घर पे बिठा दिया। न खाने के शौक पूरे हुए, न पहनने के, बस एक गहने का बक्सा थमा दिया, जैसे बच्चों के हाथों में झुनझुना पूरी जिंदगी खेलने को दे दिया जाए। औरत जात की तो शारीरिक जरूरतें होती ही नहीं। 11 साल में हुई थी मेरी शादी, 1 साल भर में पति मरे। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि शादी क्या होती है। गुड्डे गुड़ियों का खेल था, कपड़े गहने देखकर ही खुश थी। पर जब बचपने से मैं धीरे धीरे जवान होने लगी, मुझे उस दिन छत पे रामविलास दिखा और मैं खुद को उसकी ओर बढ़ने से रोक नहीं पाई। उसका छुआ कालिख भी उस दिन मुझे श्रृंगार लगा था। उस रात मैंने उसे आने को कहा था और मैं बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगी। वो आया भी, लेकिन सीढ़ियां चढ़ते वक्त वो रखे बर्तनों से जा टकराया। उसकी इतनी तेज आवाज से पूरा घर जाग गया। उसे इतना मारा कि वो मर ही गया। वही साथ मेरे एहसास ने भी दम तोड़ दिया। यही वजह थी कि राजमुनि घर वालों से उखड़ी उखड़ी रहती, क्योंकि जिसके साथ जिंदगी भर नाइंसाफी हुई हो वो कैसे सब अनदेखा करते। खामोश लता बोली, दुकान तो वैसे भी लगता है बंद करना पड़ेगा। उस दिन 32 साड़ियां दुकान से चोरी हो गई, बहुत नुकसान हुआ। राजमुनि बोली, कितनी भोली है रेतु, जो चंदन ने कहा तूने मान लिया। पूछना उससे साड़ी चोरी हुई है या कमला को सौगात में दे आया। निर्लज, जैसा बाप वैसा बेटा। लता ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, उसका तो दिल टूट गया। शाम को बैठक बुलाई गई। ससुर और बड़ा बेटा दोनों मिलकर उन्हें खड़ी खोटी सुना रहे हैं, लेकिन लता बड़ी शांत है। रात में उसने चंदन से कमला के बारे में जब पूछा तो वो सन रह गया। अगर आपको वो पसंद है तो शादी करके घर ले आइए, मैं चली जाऊंगी, लेकिन कुछ भी छुपा कर ना रखें। चंदन अपनी ही नजरों में गिरा महसूस करने लगा। लता मुझे माफ कर दो, मैं कान पकड़ता हूँ, फिर कभी उस तरफ का रास्ता नहीं लूंगा, दिल में बस तुम रहोगी। दोनों में सुलह हो गई। अब राजमुनि के गहनों के दम पर दुकान फिर चल पड़ी। एक एक कर घर की बिकी चीजें वापस आने लगी और अब किसी ने भी उनकी दुकानदारी पे आपत्ति नहीं जताई। चंदन संग लता भी दुकान में बैठने लगी। सभी जानते हैं असल में ये घर कौन चला रहा है। एक दिन उनके दुकान पे चाचा ससुर की तरफ से औरतें आई, लेकिन उसे एक भी साड़ी पसंद नहीं आई। वो ढूंढ रही है बम्बई, मद्रास, बेंगलुरु, मैसूर की साड़ियाँ जो इस दुकान में नहीं है। रात में लता सारी साड़ियों का नाम लिख रही है, अगर ये भी दुकान में होंगे तो कितना अच्छा होगा, लेकिन समस्या है जाएगा कौन। चंदन कभी इतनी दूर गया नहीं। इसी अधेड़ बुन में लता को राजमुनि ने हिम्मत दी, ये दुनिया इतनी भी बुरी चीज नहीं है। चंदन निकल पड़ा और दुकान लता संभालने लगी। एक दिन चंदन का भाई दुकान आ धमका, अब चंदन की जगह वो बैठेगा, औरत कहाँ दुकान संभाल पाएगी। उनके लिए चूल्हा चौकी घर यही पड़ा है। उसने जबरदस्ती लता को घर भेज दिया और लालच में आकर साड़ियों के दाम 100 रुपए बढ़ा दिए। भरोसा कर एक पुराना खरीदार अपनी बेटी की शादी पे साड़ी तो ले गया, ये सोच कर कि राजमुनि साड़ी स्टोर कभी बेईमानी नहीं करता। मगर अगले ही दिन सच्चाई पता चलने पे वो वापस दुकान में आ धमका। जब लता दुकान आई तो देखा लोगों की भीड़ लगी है। चंदन का बड़ा भाई अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं। एक दुकान के लिए लोगों का विश्वास ही सब कुछ है। लता ने अंदर आकर पूरा दोष अपने ऊपर ले लिया। माफ कीजिएगा, मुझसे ही गलती हुई होगी दाम लिखने में, वो तो काम से बाहर है, अभी अकेले मुझे ही सब देखना पड़ता है, घर दुकान दोनों। और इनके बड़े भाई का आजकल दिमाग सही नहीं रहता, परेशान है बीवी के पैरालिसिस से। ये लीजिए आपके पूरे पैसे और ये साड़ी राजमुनि साड़ी स्टोर की तरफ से आपकी बेटी को छोटा सा तोहफा। ना मत कहना, शादी में बाकी रिश्तेदार उनके लिए साड़ी दिखाऊं। और इस तरह लता ने अपनी बुद्धिमता का परिचय दिया। चंदन का बड़ा भाई इज्जत और मुंह छुपाकर चुपचाप वहां से चला गया और कभी हिम्मत नहीं हुई लता की काबिलियत पे सवाल उठाने की। अब कुछ दिनों से घर वापस लौटते वक्त कोई है जो लता का पीछा करता है। उस रात राजमुनि ने उसे बताया और कहा, पाप पुण्य कुछ नहीं होता, मर्द कर सकता है तो औरत क्यों नहीं, ये सब मान मर्यादा की रेखा सिर्फ औरतों के चारों ओर ही खींची हुई है, तुझे वो अच्छा लगे तो उसे अपना ले, ये शरीर अभी जवान है। लता बोली, छी ये सब मेरे लिए सोचना भी पाप है। अब महीनों गुजरने लगे। चंदन हर शहर से माँ बाप के लिए तार भेजता जिसमें कभी भी लता का जिक्र नहीं होता। हर बार लता को आस रहती शायद इस बार मेरे लिए कुछ लिखा हो। अब उसे उसी आदमी का ख्याल आने लगा जो रोज उसका पीछा करता। पता नहीं क्यों अब उसे उससे डर नहीं लगता बल्कि इंतजार रहता है। कुछ दिन जब वो नहीं दिखा लता बेचैन हो उठी। ये कैसी पीड़ा है, क्या इसे ही प्रेम कहते हैं, जिसे जानते नहीं उसके लिए अंदर से उसका मन खींचता है। राजमुनि बोली, केवल विवाह से प्रेम थोड़ी बनता है,
प्रेम तो वो वन का फूल है जो कब कहां किस रास्ते किस पत्थर पे खिल उठे कोई नहीं जानता। और एक भोर लता ने छत से देखा, वो आया है। उसने दरवाजे पे एक गुलाब का फूल रखा। जब तक उसने दरवाजा खोला वो जा चुका है। उसके लाल सुर्ख गुलाब को उठाए वो कितना रोई। कुछ दिन बाद शाम को घर लौटते हुए जोरों की आंधी उठी। ये तेज हवाएं किसी के आने की आहट दे रही है। पहली बार वो लता से आमने सामने हुआ। दोनों चुपचाप खड़े रहे और फिर लता ने पांव घर की तरफ मोड़ लिए। वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाई। उसी रात चंदन भी वापस लौटा। उसके बाद से लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे एक भ्रम एक भूल बताकर दिल को समझा लिया। 10 महीने बाद चैत्र महीने में लता की बेटी यानी मेरा जन्म हुआ और नाम पड़ा चैताली। हूबहू राशमुनि जैसी। माँ को तो कभी कभी लगता कहीं उन्होंने ही तो दोबारा जन्म नहीं लिया। और इधर बड़ी बहू का पैरालिसिस भी ठीक हो गया। घर की पहली लक्ष्मी और मैं बन गई सबकी लाडली। उस दिन के बाद से माँ यानी लता को राशमुनि दिखनी बंद हो गई, क्योंकि अब वो सिर्फ मुझे दिखती। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी। साथ ही पूर्व पाकिस्तान से कई रेफ्यूजी हिंदुस्तान आने लगे, क्योंकि वहाँ क्रांति का युद्ध चल रहा है और पूर्व पाकिस्तान नहीं उन्हें बांग्लादेश चाहिए। 18 साल के होने पे मेरी माँ ने मुझे बुआ दादी यानी राशमुनि का वो गहनों का बक्सा दिया, क्योंकि उन्हें आज भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं ही राशमुनि हूँ। मेरे कॉलेज में कई दोस्तों में एक खास दोस्त है बेनो, जो हफ्ते हफ्ते भर गायब रहता है, क्योंकि वो बांग्लादेश के स्वाधीनता में उनका साथ दे रहा है यहाँ से हथियार भेजकर। बड़ी मुश्किल से हम दोनों मिल पाते हैं। एक दिन उसने मुझे अपने छुपे अड्डे पे बुलाया। उसने बताया ये घर एक समय में किसी रफीक नाम के कवि का हुआ करता था। देश बंटवारे के बाद भी कुछ समय तक वो यहाँ रहते थे। सुना है यहाँ किसी हिंदू महिला के प्रेम में पड़कर उन्होंने आत्महत्या की थी। खैर वेनु की असली दुविधा का कारण है काम बहुत बाकी है, बीच क्रांति में है और उन लोगों के पास न पैसों का जुगाड़ हो पा रहा, न हथियार है न दवाइयाँ। सरहद के इस पार और उस पार जाते हुए गोली लगने से बिना चिकित्सा के मारे जाते, पर क्रांतिकारियों का जोश ही अलग हुआ करता। जान देने से पीछे कभी नहीं हटे। एक दिन राशमुनि ने उससे कहा तुझे जो गहनों का बक्सा तेरे जन्मदिन पे लता ने दिया है तू वो क्यों नहीं मुक्ति बाहिनी को दे देती, पूरे 500 तोला है उसमें। एक समय में हमारा घर भी तो सरहद के उस पार फरीदपुर में हुआ करता था। क्या 500 तोला सोना? ये बात चैताली को जच गई। यही बात बताने वो बेनू के उसी अड्डे पे आई। घंटों इंतजार करने के बाद वहाँ पड़ी एक पुरानी दराज से कुछ पन्ने उड़े, एक उसके पैरों के पास आकर गिरा। उठाकर पढ़ा तो वो दंग रह गई। कविताएं जो कवि रफीक ने लिखे हैं उसकी माँ लता के लिए जो यहाँ रहा करते थे, उनकी लिखी कितनी ही कविताएं पूरे कमरे में बिखर गई। वो हिंदू औरत लता ही थी। चैताली ने वही गहने का बक्सा एक बार फिर बहुमूल्य चीजों से भरकर अपनी माँ को दे दिया, जिसकी कीमत लता के लिए किसी भी गहने से बढ़कर है। उसके लिए लिखे रफीक की कविताएं लता का पहला और आखिरी प्रेम। और इसी के साथ उन गहनों को भी सही जगह मिलने के बाद राशमुनि की आत्मा को भी शांति मिल गई। कहानी यही खत्म हुई। ये बक्सा गहनों से लदा जरूर था, मगर इस गहने की परिभाषा हर युग में बदलता रहा। राशमुनि के लिए वो उसका अभिमान उसका अहंकार था। जब चैताली के पास आया उसने क्रांतिकारियों के लिए बांग्लादेश बनाने के सपने की ओर एक पुल का काम किया। और जब वही बक्सा लौटकर लता के पास आया वो लदा था उन खतों से जिसके एहसास ने उसे सुंदर और पूरा कर दिया। यही तो काम होता है ना असली गहनों का। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।